नमस्कार, आप देख रहे हैं एफटी न्यूज। सलीन डालते हैं आज की खबरों पर। सिद्धार्थनगर में आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव का नामांकन हुआ। अध्यक्ष पद के लिए यहां पर भाजपा व सपा दो पार्टियों में सीधी टक्कर है। अध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित होने के कारण पार्टियों की महिला प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिसमें भाजपा और सपा के प्रत्याशियों ने डीएम की उपस्थिति में नामांकन किया। सत्ता पक्ष भाजपा के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार श्रीमती सीता सिंह के साथ सांसद जगदम्बिका पाल, मंत्री सतीश द्विवेदी, विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह चौधरी, अमर सिंह व श्याम धनी राही के अलावा भाजपा के जिले भर के नेता रहे मौजूद। वहीं सपा प्रत्याशी श्रीमती पूजा यादव के साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे समेत पूर्व विधायक विजय पासा, अनुग्रसेन सिंह, लालजी यादव समेत जिले भर के शीर्ष के नेता मौजूद रहे। नामांकन की बात करें तो भाजपा ने 2 सेट व सपा ने 1 सेट में नामांकन दाखिल किया। वहीं प्रशासन की बात कर ले तो जिला प्रशासन द्वारा पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। वहीं नामांकन के बाद भाजपा प्रत्याशी श्रीमती शीतल सिंह ने कहा कि वह सिद्धार्थनगर में वह अधिक से अधिक विकास का कार्य करेंगी। वहीं नामांकन के बाद सपा प्रत्याशी श्रीमती पूजा यादव ने कहा कि पूर्व में जिस तरह से जिले का विकास किया उसी तर्ज पर आगे भी अध्यक्ष बनने के बाद विकास का कार्य करेंगी। सिद्धार्थनगर में बहुत ज़्यादा जितना हो सके जितना प्रयास करूंगी कि सबकी उन्नति का मनोबल पर काम करूंगी, विकास के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। ठीक हो गया, बनने के बाद पूरे जनपद का विकास करूंगी जिस तरह से पहले की थी। क्या क्या हुआ है, क्या क्या तरीका? गांव का विकास, क्षेत्र का विकास, सब विकास करूंगी।